अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आज आपको मॉडल ब्राइडल मेकअप का पूरा डेमो मैं दूंगी, और ये हमारी डर्मा बेसिस जो कि आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, और न्यू व्यूवर्स के लिए बता दूं कि ये डर्मा मिराकी में 6 कलर्स है। 2 जो हैं वो हमारे कंसीलिंग कलर हैं, 5 एंड 6। आपने देखा मेरी मॉडल के डार्क सर्कल भी हैं, एक्नी भी है, काफ़ी पिगमेंटेशन है इनके फेस पर, आपको नज़र आ रही होगी। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डर्मा मिराकी 5 नंबर। 5 नंबर को मैं ब्रश की मदद से और थोड़ा सा टच में इसमें 4 का भी दे रही हूँ। आई होप कि आपको अब तक तो काफ़ी हद तक आ चुका होगा, आप लोग इसके बेस को लेकर ट्राई भी कर रहे होंगे, और इंशाल्लाह आई होप कि आपके सारे बेस के प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके होंगे। ये मैं ड्राई ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ, और इंशाल्लाह ये देखिए इनके दूसरी साइड पे मैंने कवरेज किया और एक साइड पे मैंने कवरेज नहीं की, और आप देखिए आपको वाजह फ़र्क नज़र आ रहा होगा। और अभी मैंने इनको थोड़ा सा अपनी टोन से अप एक वन लेवल अप ले जाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 302। 302 को मैंने लाइट सा मिक्स करके लगाया, और अभी हाई लाइटनिंग एरिया पर मैं दूंगी 1 नंबर। 1 नंबर जो है वो हम लोग फेयर दिखाने के लिए हाई लाइटनिंग एरिया पर लगाते हैं। आपने देखा कि सवाए 6 कलर के ऑलमोस्ट मैंने 5 कलर इनमें यूज़ किए। अक्सर मेरे व्यूवर्स मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि 1 नंबर बता दें, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और हर तरह की स्किन डील करना चाहते हैं तो ये 6 नंबर अगर आपके पास है तो आप एक अच्छी ब्यूटिशियन हैं, और आपके कंप्लीट हर तरह की स्किन को आप डील कर सकेंगी। ये बेस लॉन्ग लास्टिंग, बहुत थिन बेस, 100% कवरेज और 100% हलाल प्रोडक्ट है। MJ मिराकी की तमाम प्रोडक्ट्स हलाल प्रोडक्ट्स हैं, और मिराकी लवर्स के लिए गुड न्यूज़ ये है कि नेक्स्ट मंथ से, जून से, इंशाल्लाह हम वीकली 2 से 3 प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग करेंगे, और 18 प्रोडक्ट्स हम आपके लिए और ला रहे हैं। और याद रखें कि आप लोग जब भी मेकअप ब्रश से भी करें तो टैपिंग बहुत ज़रूरी है, और ये जो मैं पफ यूज़ कर रही हूँ ये MJ मिराकी की न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट है। ट्राई एंगल स्पंज हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे स्पंज हैं, और आप इसके साथ इनकी स्किन पे टैपिंग करें ताकि, और उसके बाद मिनरल बेस में जैसा कि आपको पता है 2 कलर्स हैं, लेकिन मैं आज इन पे ओनली 1 नंबर शेड जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ये हमारे 1 और 2 हैं ये, लेकिन मैंने इसमें ज़्यादा यूज़ किया है 1 नंबर। और ड्राई फॉर्म में पफ की मदद से लगा रही हूँ। मैंने इसको खुले बर्तन में एक निकाल लिया है, आप लोग भी इसी तरह निकाल लें ताकि आप ये पफ के साथ इक्वल क्वांटिटी में लगे और आप अच्छी तरह से अपनी बेस पर लगा सके। ये जो ही आप बेस पर लगाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंट शक्ल में चला जाता है, जो आपकी नीचे बेस अपनी टोन जो बनाई हुई है कि उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और उसी के बचा हुआ जो पाउडर है उसमें मैंने पानी मिक्स किया। आप रोज़ वाटर भी कर सकते हैं, पानी भी मिक्स कर सकते हैं। याद रखिएगा कि बहुत थिन आप बनाइएगा, बेस थिक बेस पेस्ट नहीं बनाना। और मेरी बिगनर्स से खुसूसी तौर पर ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई न्यू प्रोडक्ट लें उसे 3 से 4 दफ़ा यूज़ किया करें, ताकि जब आपकी हैंडलिंग उस पर आ जाए तो उसके बाद आप अपने क्लाइंट्स पर चूज करें। इसको मैंने इक्वल पूरे फेस पर लगा लिया है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से घर बैठे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा, और मैं ऑर्डर के लिए एक दफ़ा फिर नंबर रिपीट कर दूं। अगर आप MJ मिराकी की कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप 03-23-05-05-612 पर कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। और ये मैं ट्रायंगल पफ लेकर उसके साथ टैपिंग कर रही हूँ, और जो ही आप टैप करेंगे ये फौरी तौर पर स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा, और आपको देखने में शायद थोड़ा सा ये फील हो कि ये थिक बेस है, हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत थिन बेस है। और जो जो टाइम गुजरता जाता है ये और ज़्यादा नीट एंड क्लीन होती जाती है। जैसा कि वाटरप्रूफ बेस जो मैंने पहले वीडियो सेंड किया उसमें आपने देखा कि मैंने पानी के साथ भी एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया था,
और बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि एक्नी स्किन है, इसको सही रहेगा कि नहीं, और ये देख लिए इन पर एक्नी थी और अभी है ये बहुत सुपर किस्म का, मेरा बहुत पसंदीदा प्रोडक्ट जो कि एमजे मिराकी का है, कॉम्पैक्ट पाउडर, इसमें दो कलर्स हैं और उसको आप फेस पर लगाएं। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि एमजे आप एक ऐसी वीडियो डाउनलोड करें जिसमें अपलोड करें जिसमें आप कंप्लीट अपनी ब्राइडल दिखाएं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडल मेकअप का टच भी आना चाहिए। तो मैंने इसमें ट्रेडिशनल और मॉडल दोनों चीज़ों को मिक्स करके इनका मेकअप किया है। और इसमें जो ड्रेस है वो नूरजहां डिज़ाइनर है, नूरजहां के नाम से उन्होंने ये ड्रेस डिज़ाइन किया है, जो कि आप लोग, वो लोग जो आपकी आपकी अम्मी के, खालाओं के, आपके पुराने लहंगे हैं उनको लेकर कन्वर्ट करती हैं और उनको न्यू शेप देती हैं और न्यू डिज़ाइन करती हैं। ये भी लहंगा उन, ये भी मैक्सी उन्हीं में से एक ड्रेस है और ये आपको बहुत पसंद आएगा। और वो लोग जो इस तरह के ड्रेसेस बनवाना चाहते हो, अपने पुराने लहंगे और पुराने सूट से कन्वर्ट कराना चाहते हो, वो मेरे नंबर पर, या मैं डिस्क्रिप्शन पे नंबर डालूंगी, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और ये है कंटोरिंग शेड, जिसमें हमारे पास चॉइस है लाइट एंड डार्क की। अगर चेहरा बहुत हेल्दी होगा तो बहुत डार्क लगाएं, लेकिन अगर चेहरा हेल्दी नहीं है तो आप इसको लाइट कर दें। और मैं इनको लाइट कलर के साथ कर रही हूँ। शायद कैमरा लाइट्स आप थोड़ा सा आपको डार्क दिखाए, लेकिन एक्चुअल रियल में इतना डार्क नहीं था, लाइट था। कंटोरिंग एक फ्रेंड्स एक ऐसा काम है जिससे आप अपने काम को, अपनी ब्राइडल को और अपने मॉडल को बहुत अच्छा भी दिखा सकते हैं, और अगर कंटोरिंग प्रॉपर ना हो तो आपका किया हुआ मेकअप भी खराब हो सकता है। मैंने कंटोरिंग पर बहुत दफ़ा कंप्लीट वीडियो डाली है, आप मेरा चैनल ओपन करें और कंटोरिंग की वीडियो ज़रूर देखें, आप लोगों को बहुत गाइडलाइन मिलेगी। और वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं मॉडलिंग करने में, वो चाहते हैं कि वो यूट्यूब के स्टार्स बने, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट करें। वो लोग जो अपने ड्रेसेस को शो ऑफ करना चाहते हैं, वो लोग जो अपनी ज्वेलरी को करना चाहते हैं, वो सब लोग जो हैं मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह ताला उन्हें अपने चैनल पर बनाऊंगी और उनकी बहुत अच्छी वीडियो भी बनाऊंगी। वो फोटोग्राफर जो इंटरेस्टेड हों, वो मॉडल जो इंटरेस्टेड हों, और जो ड्रेस डिज़ाइनर जो यूट्यूब पे आना चाहते हों वो आ सकते हैं। और ये वही सुपर डुपर हमारे एमजे मेराकी के ब्रशेज हैं जो इंशाल्लाह लॉन्चिंग हो रही है जुलाई के पहले वीक में, और अभी अगर आप बुकिंग करा लेंगे तो आपको उसमें 10% ऑफ मिल रहा है। और ये नंबर जिस पर आप बुकिंग कराएंगे वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ये देखिए नोज़ को हमने कंटोर कर लिया है। और थैंक यू वेरी मच, मैंने हमेशा से ये कोशिश की है और आप लोगों ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि मैंने कभी भी कभी कुछ आपसे नहीं छुपाया। मैं जो काम अपने सैलून्स पे करती हूँ उसी तरह डिस्क्राइब करती हूँ, ताकि आप लोग जो हैं मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो से सीख सकें और अपने काम को बढ़ा सकें, और अपनी दुआओं में खसूसी तौर पर मुझे याद रखें। और ये है मैट कलर। जब तक भी ब्लश आन में पहले आप मैट कलर नहीं करेंगे, शाइन से कभी भी डायरेक्ट आप ब्लश आन ना लगाया करें। मैं बहुत सारी वीडियो में ये बात रिपीट कर चुकी हूँ, इसलिए कि जब भी आपने कोई कलर डालना हो तो आप मैट से काम करते हैं। और जब ये देखिए जी मेरी क्लाइंट जो मॉडल है उनकी आईज में से पानी आ रहा है, क्योंकि पहले मैंने इन्हें लेंस लगाए थे जो इरिटेट कर रहे थे और मैंने उनको ख़त्म कर दिया। अभी मैं आपके सामने देखिए और पानी साफ करूंगी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा मेकअप स्टिल उसी तरह रहेगा, कोई बेस नहीं उतरेगी और ना ही खराब होगा। और ये हमारे 8 कलर में न्यू ब्लश आर इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो कि एज ए हाइलाइटर, एज ए आई शेडोज और एज ए ब्लश आर यूज होंगे। और इसका नंबर है जी 101। बहुत खूबसूरत पिंक शेड है, इसे मैं इनकी चीक्स पर लगा रही हूँ। इसमें बहुत ही खूबसूरत कलर है, 8 कलर हैं इसमें। आई होप कि जब आप यूज़ करेंगे 8 के 8 कलर आपके पास होंगे तो कम से कम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें आप अपने फेस को, अपने मेकअप को जितना ग्लॉसी दिखाना चाहें आप लोग दिखा सकते हैं, और इससे आप आईज मेकअप भी कर सकते हैं, इससे आप ब्लश हर भी लगा सकते हैं, इससे आप अपनी चाहे तो लिपस्टिक में भी मिक्स कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। जो देखें बहुत माइल्ड सा हमारा ब्लश जो है वो अप्लाई हो चुका है।
मैं थैंक्स करूंगी अपनी मॉडल का, मेरी मॉडल सारा नाम है इनका, बहुत कोऑपरेटिव मॉडल है और इन्होंने मेरे साथ पूरे शूट में बहुत ही कोऑपरेट किया। और इंशाल्लाह ताला अनकरीन मैं इनका फोटो शूट भी आप लोगों से शेयर करूंगी, और आज कुछ पिक्स जो कि मेरे अपने सेल से ली हुई पिक्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी बारी आती है आईज मेकअप की। जैसा कि आपको पता है कि एमजे मिराकी में 24 कलर्स हैं, और 24 कलर्स में सबसे पहले नंबर है 18, 18 एंड नंबर 1, इन दोनों को मैं मिक्स करूंगी और लगाऊंगी इनकी आईज के नीचे वाले पोर्शन पर। हाइलाइटनिंग जो है, और इस ब्रश को आप लाइट सा वेट करके लगाएं जब भी लगाएं, और वे सारे ब्रशेज आपके मेकअप में जितने भी यूज़ कर रही हूँ सारे एमजे मिराकी के हैं। और मैट कलर, मैं जो भी काम करती हूँ पहले मैट कलर से शेडिंग करती हूँ, उसके बाद हाइलाइटनिंग हाईलाइट करने के लिए मैं शिमरी कलर यूज़ करती हूँ। और ये मैट कलर जो कि 12 कलर है, उनमें नंबर 11 लेकर मैंने एक डी क्रिएट कर ली है जो कि मैरून कलर इसमें आ रहा है, रेड एंड मैरून, तो लाइट सा शेडिंग कर रही हूँ मैं। और इनर साइड पर आप सिल्वर कलर, वो शिमर जो है आईज को ब्रॉड दिखाने के लिए इनर साइड पर मैंने लगा दिया है। और उसके बाद मैंने इनको मिक्स किया, और अभी मैं लगाने लगी हूँ नंबर 3 जो कि ब्राउन शेड है और ब्लैक शेड, हमारा ब्लैक केक लाइनर, इन दोनों को मैंने मिक्स किया। लेकिन इसमें मैंने बहुत लाइट सा वेट किया है अपने ब्रश को, ज़्यादा नहीं किया, इसलिए कि अगर आपसे ज़्यादा वेट करेंगे तो शायद आपसे फिर जो है कंट्रोल करना थोड़ा सा कलर्स को डिफ़िकल्ट हो जाए, इसलिए मैंने इसको बहुत लाइट सा वेट किया है। और अभी ड्राई ब्रश लेकर इसको मैं मिक्स करूँगी, और मिक्सिंग के लिए भी हमारे पास बहुत खूबसूरत से ब्रशेस हैं, वो मैं भी आपके सामने यूज़ करती हूँ, आप देखिएगा उनसे कितनी अच्छी। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करता है तो उसमें लाइंस नहीं होती, मर्जिंग मेकअप होता है, और जितना अच्छा मर्ज हुआ होगा इतना ही अच्छा जो है मेकअप लगता है और बहुत नेचुरल लगता है, इसलिए कि लाइंस वगैरह अच्छी नहीं लगती। अभी मैं मर्जिंग ब्रश के साथ मर्ज करूँगी, आप देखिएगा ये भी हमारे सेट का ही एक ब्रश है, फैन ब्रश इसको बोलते हैं, इसका प्रोफेशनल नाम है फैन ब्रश। ये हमने डस्ट ऑफ कर लिया कि जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कलर गिरा हुआ था वो हमने डस्ट ऑफ कर दिया है। और आप मेरी फिंगर में एक वाइट कलर की रिंग देख रहे होंगे जो कि प्लास्टिक रिंग है, ये मिक्सिंग के कलर लगाने के लिए यूज़ होती है। और जब आप कोई भी कंप्लीट किट ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ हम आपको ये गिफ्ट भेजते हैं, और ये पहले नहीं था, ये अभी से सिलसिला शुरू हुआ है। और इस प्यारी सी रिंग्स हासिल करने के लिए अपनी किट को ऑर्डर करें ताकि हम इसके साथ आपको ये गिफ्ट भिजवाएं। और ये आईज के नीचे मैंने जेल लाइनर, एमजे मिराकी का जेल लाइनर, जो कि नेक्स्ट वीक में, आफ्टर ईद सॉरी नेक्स्ट मंथ में हम लॉन्च कर रहे हैं। जेल लाइनर इसलिए हम लोगों ने किया कि बहुत से लोग जो है वो दुल्हन जो है अक्सर आईज में से पानी आ जाता है जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन बनती थी, तो हमने जेल लाइनर 2 कलर में लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो कि मैं काफ़ी अरसे से पहले यूज़ करके सब एक्सपेरिमेंट इस पर कर चुकी हूँ। ब्लैक एंड ब्राउन कलर होगा 2 कलर में, और इसको लगाने के लिए मैंने यूज़ किया 0 नंबर ब्रश, और ये है रोल आर्म। रोल आर्म जो है ये गोल्डन और सिल्वर कलर, ये आपकी किट में लाजमी होने चाहिए, ये हमारी बहुत सी जगहों पे यूज़ होते हैं, हमारी हाइलाइटिंग में यूज़ होते हैं, हमारे आईज के इनर कॉर्नर पर यूज़ होते हैं, हमारे इसमें कोई भी कलर टोन चेंज करनी हो उसमें यूज़ होते हैं। तो आप लोग लाजमी इन कलर्स को अपने साथ रखा करें,
जो कि पहले हमारे 8 से 10 कलर थे, लेकिन अभी हम सिर्फ गोल्ड और सिल्वर जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और इसके इनर साइड पर मैं लगा लूँगी। ये इसमें थोड़ा सा वीडियो में ये मैंने पहले लगाया था, और ये इसलिए है कि आप आईज को बड़ा दिखा सकें, और आप भी जब मेकअप करने लगे थोड़े स्ट्रेच कर लें बाहर की साइड पर आईज को, आउटर साइड पर। ये देखिए लाइट सा जैसे मैंने फिंगर रख के स्ट्रेच कर लिया है, और इस तरह अपनी आईज को। और ये है हमारा ग्लिटर जो कि 7 कलर्स में है, और ये मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये पिंक के साथ मल्टी शेड है। हमेशा याद रखें कि पानी लगाकर ब्रश के साथ मैंने कलर निकाला, लेकिन जब मैं एप्लीकेशन इसकी कर लूँगी उसके बाद मैं अपने ब्रश के ऊपर एमजे मिराकी का लाइनर सीलर का एक ड्रॉप लगाकर इसको टैप कर दूंगी। ये वहीं पर फिक्स हो जाएगा, कोई भी इसका ग्रेन आपके आईब्रोज के ऊपर ड्रॉप नहीं होगा। याद रखिएगा लाइनर सीलर बाद में टैप करने के लिए मैं यूज़ करूंगी, लेकिन पहले मैंने जब उस जार में से निकाला है तो मैंने अपना ब्रश पानी लगाकर वेट कर लिया था, उसके साथ मैंने निकाला है। और अब मैं इसको लाइट लाइट सा लगा लूंगी अपने सॉकेट एरिया पर। और जिन जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो फौरन से पहले आपको मिले। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी लिंक जरूर शेयर करें, ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और ये देखिए मैंने एक ड्रॉप लाइनर सीलर का लगा रही हूँ, और इसको मैं टैप कर दूंगी आइस के ऊपर। और अब हमारी आइस में एक तो फिनिशिंग आएगी जो हमने काम किया, और उसके अलावा इस पर जो हमारा ग्लिटर है वो पेस्ट हो चुका है, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। उसके बाद है ये हम इंशाल्लाह ताला एमजे मिराकी की तरफ से लॉन्च कर रहे हैं अपने आई ब्लैश ब्लू। बहुत से लोगों का, बहुत सी ब्यूटिशियंस का, बहुत सी घर बैठी मेरी बहनों का ये प्रॉब्लम था कि कोई भी अच्छा ग्लू नहीं मिलता। ये देखिए मैंने लैशेस पे ग्लू लगा के थोड़ी देर छोड़ा था, और अगर आपके पास ये ट्यूज़र है तो आप ट्यूज़र की मदद से आप बिल्कुल अपनी जो पहले लगी हुई लैशेज हैं बिल्कुल उसके करीब रख के आप इसके ऊपर जब लगाएंगी, ये इतना अच्छा ग्लू है कि ये फौरी तौर पर आपकी लैशेज जो है पेस्ट हो जाएंगी। और ये भी लैशेज भी हमारी मिंक लैश है, ओरिजिनल ह्यूमन हेयर्स हैं, और ये भी इंशाल्लाह लॉन्च हो रही है जुलाई के पहले हफ्ते में। आपको 3D लैशेज, आपको मिंग लैशेज, ये सारी चीज़ें मिलेंगी जुलाई के पहले हफ्ते में। लेकिन पहले आपके जो है बुकिंग करा लें, तो उससे आपको 10% हर चीज़ में ऑफ मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा तलाश में रहती हूँ, पूरी दुनिया में जाती हूँ और जिस मुल्क में भी जाऊँ मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी ब्यूटिशियन बहनों के लिए, और अपने बिगनर्स, अपने सीनियर, अपने जूनियर्स के लिए अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट लाऊँ। और इंशाल्लाह प्राइमर, कलर कॉस्मेटिक्स एंड लैशेस और बहुत कुछ आ रहा है मिराकी में, जो कि आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और दो तरह के हमारे ग्लू भी आ रहे हैं। तो ये ब्राउन शेड है जो मैं आईब्रोज में लगा रही हूँ, और आईब्रोज में मैंने ब्लैक कलर नहीं लगाया बल्कि ब्राउन लगाया, जिसका नंबर 3 है। अगर बहुत फेस हैवी किसी का आ जाए तो मैं इसी कलर से कंटोरिंग भी करती होती हूँ। और ब्लैक के एक लाइनर हमारा मिराकी का है, मैंने वो अप्लाई किया है। सॉरी फ्रेंड्स, उसमें उसकी वीडियो नहीं बन सकी, किसी और में इंशाल्लाह मैं अलग से उसकी वीडियो भी आपसे शेयर करूँगी, बल्कि मैंने की भी थी। और ये है हमारी मॉडल का कन्वर्टर ड्रेस और प्रॉपर लुक। आई होप आपने मेरी वीडियो एंजॉय की होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे फिर किसी और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।